told her, meet me in the back. That ass fat, and she don't know how to act. When she back that thing up on a nigga, it's a wrap. I'm just tryna hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan, and she know me from the gram. Oh man, I think she might could be a fan. Made me think. Welcome back to the brand new episode of Hell Rocker. तो कैसी है रोकर रामी, आई होप सब बढ़िया ही होगे और सब मजे में होंगे। और बाकी ये देखो एटमॉस्फेयर क्या बारिश का बना हुआ है। बारिश गिर नहीं रही है, बहुत ज़्यादा ही बारिश की वजह से सफोकेशन हो रहा है। मतलब गिर नहीं रही है उसकी वजह से सफोकेशन हो रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। पर अभी के लिए हाल फिलहाल तो एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ठंडा है। अपने जा रहे हैं अहमदाबाद, आपने देख ही लिया होगा, सर्विस करवाने जा रहे हैं हम लोग अहमदाबाद। और सर्विस का कॉस्ट कितना है वो भी आपको बताया जाएगा। अपनी फर्स्ट सर्विस अभी भी 100 किलोमीटर बाकी है, यहाँ से पहुँचते हुए 900 किलोमीटर हो जाएगी। अभी 750 किलोमीटर पर है अपनी बाइक, 1000 किलोमीटर पर करवाना है। पर अपने पास टाइम नहीं है बिकॉज नेक्स्ट 5th of July आई एम गोइंग ऑन लॉन्ग ट्रिप, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसी बात पे वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त अंकित देसाई एके हेल रॉकर। तो कैसे हेल रॉकर आई मी, आई होप सब बढ़िया होगा, सब मजे में होंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं दो लोग सर्विस के लिए, मैं और प्रिंस। प्रिंस आ रहा है मेरे साथ पिलियन में, मैंने बोला बैठ जा अच्छा सा कुशनी सा, अपना प्यारा सा इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन है तो तुझे बहुत मजा आएगा। ऑलरेडी वो आया था मेरे साथ, आप लोगों ने वो ब्लॉग देख ही लिया होगा। तो पीछे वाले के लिए जन्नत है, आगे वाले के लिए जन्नत है, पीछे वाले के लिए भी। और तो ये आ चुका है प्रिंस अपने घर पे, इमेजी का अकेले अकेले पिछले 15 दिन बाद मिल रहा है आज अपने को, सर्विस करवाने जा रहे हैं तब। बाकी अपने बाइक रेडी है, ये रही ही उसकी R15, ये लेके ये आने वाला है। अबे मैंने बोल दिया कहाँ आ रहा है, चल मैं काट देता हूँ। तो बाकी ये देखो, मैंने कल ये स्क्रीन गार्ड लगाया था इसका, कुछ मैंने व्लॉग वॉग बनाया नहीं पर इसके ऊपर मैंने स्क्रीन गार्ड लगा दिया है। कुछ तो टफन ग्लासेस आता है, मैंने मंगवा लिया था। दूसरा ये माउंट बहुत टाइम से मिल नहीं रहा था मेरे को, मैं यही माउंट यूज करता था, वो दूसरा दो एक्सटेंशन वाला अपने को फाता नहीं है। अभी देखते हैं कि इसका व्यू कैसा आता है, वो भी देख लेते हैं। बाकी अपनी बाइक रेडी है, ये येलो कलर की सीट करवा दी थी, प्यारी लग रही है। अभी ये नीचे उतर तो जाते हैं अपना। बाकी चलो अभी हाईवे पे आप लोगों को मिलते हैं। बहुत गर्मी लगना चालू हो गया वापस से, ये जैकेट वैकेट पहनते हैं तो गर्मी लगना चालू हो जाता है। पर और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक टू गेट टू नो कि कितना है फर्स्ट सर्विस का बिल। तो फाइनली हम लोग अहमदाबाद पहुंचने आए, कुछ रास्ते में दिखाया नहीं मैंने, सेम ही रास्ता है, कितनी बार दिखाऊं मैं खुद भी परेशान हूं। कि यही रास्ते पे कितनी बार आप लोगों को दिखाऊं। और पेट्रोल के प्राइसेस वापस से बढ़ गए, अभी आज मैंने लगाया पेट्रोल भरवाया है 2000 का, तो कुछ 104 रुपये था यार, कब बढ़ गया पता ही नहीं चला। जब कम हुआ था तो पूरे गाँव में ढिंडोरा पीटा गया था, बढ़ा तो पता भी नहीं चला। 95 में मिल रहा था, 104 कैसे हो गया, 2-3-4 रुपए ज्यादा ही होता है शेल पे बाकी दूसरे पेट्रोल पंप से। भाई राइड चालू होने के पहले पेट्रोल के भाव बढ़ गए, थोड़ा बजट बढ़ जाएगा। देखो अभी नारोल चौकड़ी आएगा, वहां से अपने को लेफ्ट जाना है और अपने किलोमीटर होने वाले हैं 850-860, क्योंकि ये रहा आ गया अपना नारोल चौकड़ी। ऊपर देख रहे हो ब्रिज, वो बाईपास बनाया हुआ नारोल चौकड़ी, ये जो अपना बड़ौदा का हाईवे है उसको टच करता है, तो अपने को यहाँ से अभी लेफ्ट मारना है और विशाला चौकड़ी होते हुए अपने को SG हाईवे तक जाना है। देखो ये भाई देखो, सुपरमैन हाथों से गाड़ी को रोक रहा है, यहाँ लोग ब्रेक से नहीं रोक पाते। बाय द वे राजकोट जाने का रास्ता भी यही है भाई, आ जा घुस जा। अहमदाबाद में बाइक या कार चलाना मतलब लोहे के चने चबाने जैसी बात है, इतना फालतू ड्राइविंग करते हैं लोग, घुस ही जाता है रास्ता, देखा नहीं कि घुस जाते है। ये देखो भाई ध्यान से चलाना पड़ेगा इधर तो अपने को। तो आप लोग दूर पता नहीं GoPro में दिख रहा होगा कि नहीं आपको, दूर वो पहाड़ दिख रहा है, वो पहाड़ नहीं है, अहमदाबाद का सारा कचरा है जो वहाँ पे इकट्ठा होता है, पूरे अहमदाबाद का कचरा आके इधर इकट्ठा होता है, जो रिकवरी वैन होती है कचरे की वो रिकवरी करके यहाँ पे लेके आती है। इतना सारा कचरा डाल डाल के लोगों ने पहाड़ बना डाला और अहमदाबाद वालों ने क्या सीन बना डाला, वाह वाह क्या घटिया सा डायलॉग मारा है अपनों ने। और मैच हो गया यार, देखो कितना बड़ा पहाड़ है, मतलब कितना कचरा और कितना लंबा है। इसीलिए ये ग्लोबल वार्मिंग चालू हो गई है, बारिश नहीं हो रही है, बादल है फिर भी बारिश नहीं है, देखो कहीं पर भी पेड़ नहीं है, बहुत ही कम जगह पेड़ दिख रहे हैं। तो पेड़ नहीं होते तो बारिश बादल को खींच नहीं पाती है भाई, क्या करेंगे, बारिश बादल को खींच नहीं पाती है, बादल बारिश को, समझ लेना जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तभी ये सर्कल से अपने लेंगे राइट
और ऑलमोस्ट अपने पहुंचने हैं। ट्रैफिक ट्रैफिक एंड ट्रैफिक, भाई परेशान हो गया यार अहमदाबाद में यार। भाई इतना बड़ा बाइक लेके ट्रैफिक में चलाना मतलब एक अलग लेवल का त्रास है। देखो बड़े बड़े बम्पर, अपने लिए तो मक्खन है। वैसे जब पहुंचने आते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे बहुत अच्छा लगता है उसके पहले भाई परेशान हो जाता है आदमी। वैसे अपना नंबर प्लेट आया कि नहीं वो भी पूछना है। ये रहा सर्कल, यहाँ से सीधा जाओगे तो साणंद राजकोट वाला रोड पकड़ सकते हो। और अपने क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे ये आगे वाले कट से थोड़ा सा रॉन्ग मारेंगे कि अपने रॉन्ग साइड से पहुँचे वहाँ पे, तो शॉर्टकट पड़ेगा नहीं तो बहुत लंबा गोल घूमना पड़ता है। अभी यहाँ से अपने जाएंगे रॉन्ग, थोड़ा सा ही जाएंगे और आ जाएगा BMW का शोरूम। ये रहा है वो क्रेस्ट या क्रिस्ट ऐसा लिखा हुआ है, उसके बाजू में ही BMW का शोरूम है। और ये रहा अपना BMW का शोरूम, आ चुके हैं हम BMW के शोरूम पे। A few moments later. तो अपनों ने बाइक यहाँ पे सर्विस में लगा दी है। तो सर्विस स्टेशन में नीचे कुछ भी ब्लॉक करना अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग आके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखो कितनी सारी 310 है, इधर 310 GS लगी हुई है, उधर 310 कौन सी है वो वाली आर लगी हुई है। कल रात यात्रा थे, सारी बाइकों की डिलीवरी है ये सारी। देखो GS की नहीं है ये, GS ले लेना। असली मतलब क्या कर भाई इसमें, ये लो सस्पेंशन है भाई, बैठ के देख। चलो स्कॉर्पियो कौन सी बैठ, बस स्कॉर्पियो बाद में लेंगे। क्या बाद में लेंगे इसको, इसको मैं अभी आज GS दिला के ही रहेगा, बाद में दोनों भाई जाएंगे। देखिए तो लो सस्पेंशन है, बैठ जा। आ गया बे, आ गया आ गया आ गया आ गया पैर। और छोटा करना है? नहीं नहीं नहीं, भाड़े की अबे क्या भाड़े की बाइक है, और छोटा हो जाएगा। वो चाबी से मंगाओ नीचे से, वो खोल के और सेट करते हैं। आ गया भाई, ले ले चल वाला ले ले। स्कॉर्पियो छोड़ दे अभी, और क्या। तो सब लोग कमेंट में बताओ प्रिंस को ये वाली बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। कोई कमेंट मत करना, नहीं लेनी चाहिए इसको खाली खाली डाटा के कुछ लेना नहीं है। मेरे को शौक लगा के मेरे को दिलवा दी, मुझे खड्डे में उतार दिया, अभी तू नहीं लेने चाहता है। मैं स्कॉर्पियो ले रहा हूँ ना, स्कॉर्पियो नई वाली स्कॉर्पियो भाई, नई वाली स्कॉर्पियो ले रहे हैं तो ब्लॉग बनाएंगे पता नहीं कब आएगी। बाकी ये वाला राइडिंग गियर अपने को पसंद है कितने का है? 2 लाख रुपए। ये वाला राइडिंग गियर 1.5 लाख का है। अभी यहाँ से कहीं तो हम खाना वाना खाने जाएंगे, तो वहाँ पे मिलते हैं। और बाइक नीचे सर्विस में दे दी है, थोड़े से आपने विजुअल देखे होंगे बाइक के, तो हमने सर्विस में बाइक दे दी है। मिलते हैं आप लोगों को बाहर जाते तब। क्या करते हैं तेरे ये भाई ऐसा बोल रहा है गुजराती में, ये ऐसा बोला कि उसके गाँव के दर्जी है ना, ये सील डालेंगे और ये प्लेटे वेटे बनवा के डाल देंगे घुटनों पे। चलो हमने जाते हैं खाना खाने, तो आप लोगों को मिलते हैं। अभी थोड़ा हम बाहर घूमने आए थे, अभी थोड़ी देर में खाना खाने जाएंगे, क्योंकि अपनों ने एक चीज मंगाई है वो आ जाती है, उसके बाद दिखाते हैं। पर आपको ईवी दिखाता हूँ BMW की नई जो लॉन्च हुई है, ये ब्लू वाला कलर अपने को बहुत पसंद है, लेंगे तो ये कलर में अपने BMW लेंगे। ये रही ईवी दूसरी, क्या प्यारी लग रही है, कुछ अलग ही दिख रहा है। देखो एलॉय देखो उसके, देखो क्या प्यारी लग रही है ईवी, पूरा क्रिस्टल दिया हुआ है वहाँ पे। और यार क्या कॉकपिट है, देखो पूरी स्क्रीन कितनी बड़ी है, पूरी काउ में मस्त गाड़ी है। हैंडल लॉक भी देखो क्या प्यारा लग रहा है, एक नंबर है ईवी IX। बस चलो अभी ऊपर जाते हैं, गर्मी बहुत है इधर। अपनी चीज आते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। देखो मिनी का पूरा ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, 1959 से लेके पूरी सारी कैसे एवोल्यूशन हुआ 2018। ये देखो BMW के शोरूम है, रॉयल एनफील्ड BMW के शोरूम, रॉयल एनफील्ड के शूज, एल रॉकर जुगाड़ू। अपनों ने रॉयल एनफील्ड के TCX के जूते ले लिए, बहुत टाइम से अपने को लेने थे लॉन्ग वाले, तो जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि दिखाना बाकी है वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये रहा अपना TCX का लॉन्ग वाला, और ये टी ड्राई किधर लिखा है भाई, ये रहा मतलब ये वाटरप्रूफ शूज है, ये रहा टी ड्राई। और जो अपने को लेना था अपने को डिस्काउंट में मिल रहा था, तो अपनों ने ले लिया इधर से, क्योंकि ज़्यादा खर्चा अपने को करना ही था।
और ये भाई को मैं चैनल अपनी सब्सक्राइब करवा रहा था, पर ये तो पहले से अपना सब्सक्राइबर निकला है। मतलब तुम्हारा भाई धीरे धीरे फेमस हो रहा है, अभी पता चल रहा है। प्राउड मोमेंट, प्राउड। बैग भी आया था फ्री में इसके साथ। थैंक यू सो मच भाई। आपका नाम क्या है? नितिन भाई। स्मित पारेख। स्मित पारेख भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। एच के राइडर, ये भाई का भी चैनल है, अगर आप देखना है वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाकी ये मेरा भाई है जो बैग लेने आया था, अपना राइडर का बैग, अपने को काम नहीं लगने वाला तो ये लेने आया था। ये भी जा रहा है लद्दाख, इसको भी चैनल चालू करने बोला था पर इसकी फटती अभी भी तो नहीं चालू कर रहा। बाकी अभी यहाँ से खाना खाने जाना है भाई, जाना है चंद से आवाज चिकन कुकड़। तो अभी हम BMW के बाजू में ही मोती महल कर रहे होटल है, वहाँ पे खाना खाने आ गए। प्रिंस भाई ऑर्डर कर रहा है, क्या ऑर्डर कर रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है भाई। गाली गलौज क्यों कर रहा है भाई इतनी सारी? मेन कोर्स नहीं खाना है, बाद में वो खाया नहीं मेरे से, नहीं तेरे को भूख है तो मंगा ले। चल का एक चिकन टिक्का कर दो ना, चिकन टिक्का ट्राई कर। चिकन स्पेशल मोती मेल है ना मेन कोर्स में। हाँ ठीक है, तो वो कर लेंगे। A little later. तो अभी खाना वाना निपटा लिया है, ये रहा मोती महल होटल, यहाँ पे ही गया और बाजू में ही है BMW का शोरूम। अपने को मैसेज भी आ गया है कि अपनी बाइक हो गई है सर्विस, अभी देखते जाके कि क्या सीन है और कितने का बिल बना है। खैर बिल कितना बना है वो मैं आपको घर जाके बताऊंगा शांति से। ये BMW वाले के लिए हॉस्पिटल में होती है वैसी है, स्लो बहुत चलती है। और अभी देखो रिजुल के साथ प्रैंक करते हैं, खाली खाली डिस्काउंट वाला देखना कैसे बड़ा। और ये देखो मिनी कूपर की डिलीवरी है। थैंक यू सो मच रिजुल भाई फॉर डिस्काउंट। अरे अरे ओ यार कोई डिस्काउंट नहीं देता आदमी को मैं, तो सुबह डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। एक बात बताओ आपने मेरे से लिया ही क्या? तो मैंने जूते दिए हैं। तुम जूते दिखा दो उनको, कोई रैली ब्रो के जूते नहीं है। देखा मैंने कैसे बोला था कि बेचारा भड़क जाएगा, जब भी मैं बोलूंगा डिस्काउंट दिया तो भड़क जाता। मजा आ गया ना प्रैंक बोल के आया, मैंने उनको बोल के आया भाई देखो अभी रिजुल के साथ प्रैंक कर। हेलमेट वेलमेट इधर पड़ा हुआ है, ये लेने आए थे, अभी नीचे जाके पेमेंट करते और निकलते हैं। गाड़ी का सर्विस हो गया, ये देखो वापस चमकती हो गई है, सब क्लीन हो गया। और ये वाली गाड़ी जो हम आपको दिखा रहे थे, ऊपर जाके प्राइस पूछा तो हमारे नीचे से जमीन खिसक गई। 1,40,00,000 भैया, 1,40,00,000 मतलब कुछ बोलने का नहीं है, अपने को कुछ बोलने का नहीं है। चाबी अपनी यहीं पे है, ग्लव बॉक्स में चालू करेंगे। तो 865 किलोमीटर पे अपनों ने सर्विस कर दी है, अभी इसमें सर्विस का सिम्बॉल आ रहा है कि नहीं देख लेने दो। नो चेक, ओके Everything is okay. This is what says. देखो और ये 1,40,00,000 भैया। और ये खड़े हैं अपने प्रिंस भैया, अपना बूट का बॉक्स लेके और हेलमेट लेके। चलो भाई बैठ जाओ। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर जाने के लिए, और ये बूट में अपने को गियर गिराने में थोड़ा सा हाल फिलहाल तकलीफ हो रहा है, और भाई गियर में थोड़ा सा तकलीफ पड़ रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा जूते में। चलो एक बार एडजस्ट हो जाऊं, प्रॉपर हाईवे में पहुंच जाए, बाद में आप लोगों से बात करते हैं। तो अभी हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है, और ये शूज में अपने को बहुत तकलीफ हो रही है चलाने में, बट कोई नहीं यार, आज नहीं कल चलाना ही है, स्पेशली अपनों ने लॉन्ग राइड के लिए ही लिए वाटर प्रूफ शूज, तो पहन के ट्राई तो करना ही पड़ेगा। मैंने सोचा आज ही पहन लेते, पर थोड़ा ब्रेकिंग में इश्यू हो रहा है और गियर गिराने में इश्यू हो रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आनंद के पास हम लोग एक होटल पे रुके थे, क्योंकि ये भाई पीछे बैठ के सो रहे थे। अभी रेडबुल पी के मजा है, रेडबुल पी के मजा है, टी-शर्ट खराब करके भी मजा है। पीछे से देखो बीच में बारिश हुई तो भाई की टी शर्ट पूरी खराब ऊपर तक, पर मजा आया कि नहीं सोने में? गद्दे जैसी फीलिंग आई कि नहीं? कुछ पता ही नहीं चल रहा था भाई सो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं, यहाँ पे आके बोल रहा है कि मैं सो रहा था। तो भाई को भी अपनों ने अपना चैनल सब्सक्राइब करा दिया है। तो अभी हम घर जा रहे हैं, आपको घर जाके मिलते हैं, तब तक बने रहिए चैनल के ऊपर, आपको घर जाके दिखाएंगे कि कितना अपने को सर्विस का कॉस्ट आया है, ठीक है, और क्या क्या चेंज हुआ है। तो स्टे ट्यून्ड। हे गाइस वेलकम बैक। तो मैं घर पहुंच गया हूँ, मुझे कपड़े देख के आपको पता चल गया होगा, 5:30 बजे में पहुंचा था। इट्स 6:09। ये रहा BMW का बिल, तो BMW का अपना बिल आया है अराउंड 12,500 रुपीज। तो फर्स्ट सर्विस अपने को पड़ी है 12,500 रुपीज की, और उसमें मोटा मोटा सा खर्चा है इंजन ऑयल का, लेबर का, ऑयल फिल्टर का, और BMW रनिंग चेक जो करते हैं उसका। बाकी और तो ज़्यादा कुछ कोई खर्चा आया नहीं है, क्योंकि अब ये नॉर्मली सर्विस था, इसकी वजह से और कोई खर्चा आया नहीं है। अभी आप लोगों को डायरेक्टली मिलेंगे राइड के ऊपर, इसके बाद आने वाली है राइड, तो बने रहिए चैनल के ऊपर, मिलते हैं आपको। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।